तो अब हम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे और हमारा स्वागत वगैरह माला से बहुत अच्छे से हुआ। और भाई साहब गर्मी इतनी थी कि ठंडी ठंडी माला इतना सुकून दे रही थी। और अब आई हमारे रूम टूर की बारी, जो हमारी फैमिली को वहां दिया गया था। ये लगे जो भी एक जैसे ही पड़े हुए हैं, और ये है हमारा रूम जो कि काफी स्पेशियस था और अच्छा था। उसके बाद हमने एक अपना ट्रांजिशन रील शूट किया जो आप हमारे इंस्टाग्राम @yarigram पर जाके देख सकते हैं। चलो तो अब संगीत की बारी, उसके लिए तैयार होते हैं। यहाँ मैं शुभी की नजर उतार रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसको वैसे भी नजर बहुत जल्दी लग जाती है। मम्मी को तो फीवर आ गया था, इस चक्कर में हम लेट भी हो गए और सगाई वगैरह सब हो गई थी। हम ठीक अपने डांस के टाइम पे पहुंचे और हमारा डांस जो वहाँ पे सबको बहुत पसंद आया और हम मैचिंग कपल के नाम से भी फेमस हुए। इसकी वीडियो हम अलग से अपने यूट्यूब चैनल पर और हमारे इंस्टा पर भी डाल देंगे, तो आप वहाँ जाकर लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और शुभी और उसकी मम्मी कितने भी थके हों, तैयार होने में और डांस करने में इनकी एनर्जी हाई होती है। और ये है संगीत के एंकर जिन्होंने हमें आते से पकड़ लिया था क्योंकि उनको लगा कि हम मैचिंग कपड़े पहनकर आए हैं तो न्यूली मैरिड हैं क्या। शी वॉज रियली स्वीट एंड शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय आवर ड्रेस एंड डांस। और उन्होंने हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए कि हम शर्मसार हो गए बिकॉज पूरी फैमिली बैठी हुई थी और मेरी बहन जिसकी शादी हो रही थी वो अरेंज मैरिज कर रही थी, तो वहाँ लव मैरिज की बात करना बहुत बड़ी बात थी और हमारा तो बस अभी रोका ही हुआ था। रोकी का व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत मुश्किलों से हमारा रोका हुआ था। सनी की फैमिली की साइड से बहुत ज्यादा टेंशन थी, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। और ये मेरी मम्मी डांस कर रही है जिन्होंने फीवर की दवाई ली थी और उसके बाद तो वो थोड़ा एंजॉय कर पा रही थी। और उनके पीछे हैं हमारे दूल्हा दुल्हन जिनकी शादी में हम धूम मचाने आए हैं। और ये आया शुभी और मम्मी का डांस, इनकी तबीयत खराब होने के बाद भी मम्मी ने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। और वहीं अलग से ये डांस डालें या नहीं डालें जरूर कमेंट में बताएं। और ये है मेरी संगीत की पूरी ड्रेस और साथ ही में सनी ने कोऑर्डिनेटिंग आउटफिट स्टिच करवाया है सेम क्लॉथ का। लग रहा है ना बहुत सुंदर। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 10 बजे से गणेश पूजन और ढोली कलश सब था। और ये है ढोली कलश के सीन्स। और शादी है तो हर जगह खुशी मस्ती और डांस तो होना ही चाहिए। फिर हमें थोड़ा टाइम मिला तो सोचा रील बना दें, जो अब हमारे शॉर्ट्स या फिर इंस्टा पेज पर जाके देख सकते हैं। और ये है हम दोनों के आउटफिट्स जो हमने हल्दी फंक्शन के लिए वेयर किए थे। और दुल्हन से ज्यादा क्लो तो मेरे चेहरे पे था क्योंकि मैं बहुत खुश थी कि मैं सनी को अपनी मम्मी साइड की फैमिली में पहली बार लेके आई थी। और मुझे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि मैं ही हूँ जो लव मैरिज कर रही थी, तो पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं आएगा, तो बहुत डर था इस चीज का। पर सबको बहुत पसंद आया और सब बहुत ज्यादा खुश थे उनके दामाद जी से। हेलो गाइस, खाना खा के जाना हम पागल हो चुके हैं क्योंकि हम 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं हल्दी का। और ये साड़ी में बैठे हुए हैं जो यहाँ से सब जगह से चुप रही है। जल्दी ही आपको आगे की अपडेट देंगे। सनी अपनी शक्ल दिखा दो। नहीं, नंगे बैठे। मैं अभी गर्मी खा रहा हूँ। गर्मी खा रहा हूँ। नंगे बैठे गाइस, नंगे बैठे। कोई नंगे नहीं बैठे, पैंट पहनी है। कपड़ा रखा, ये रखा कपड़ा, इनका कपड़ा, इनको बर्दाश्त ही नहीं है, तन पे इनको कपड़े बर्दाश्त नहीं होते। मुझे एक बात बताना कमेंट करके, ये वाला जो झूला झूला है चमकने वाला, इसको पहनने के बाद किसको काटे नहीं करते? हंस रहे हो, पीछे दिखाओ ना चेहरा। मम्मी की हो गई तबीयत खराब, तो इसलिए हम रूम में बैठेंगे, थोड़ा सा वो रेस्ट कर ले। और हमारे घर के नौ निहाल जो IAS ऑफिसर बनने वाले हैं, वो देखो कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। उधर दिखा दो जरा। और अब हल्दी फंक्शन स्टार्ट हो गया है तो हम नीचे आ गए थे। और हल्दी में सबसे पहला डांस मेरा ही था। बीइंग अ डांसर, मेरे डांस आपको हर जगह मिलेंगे। ये डांस मेरा, मेरे भाई का और सनी का टोटली अनप्रिपेयर्ड डांस था, एंड में ही डिसाइड हुआ था। तो क्या नॉन डांसर्स के लिए आप ये डांस देखना चाहेंगे, मैं पोस्ट करूं? और ये मेरी क्यूट सी नानी का छोटा सा परफॉर्मेंस। और अब हम पशुपतिनाथ मंदिर आ गए थे जिसका वीडियो मैं साथ में अटैच कर दूंगी, देखना मत भूलिएगा। गाइस देखो, ये अभी फंस चुकी है यहाँ पे। सवेरों का मेरे तू सूरज, पकड़ा तो है ही नहीं मैंने आज, छोड़ दिया सब कुछ। वो मुझे समझ में आया तुम चिल्लाएंगे, क्यों चिल्लाएंगे, बाय बाय। तो आपके चिल्लाने से क्या हो रहा है? मम्मी और मैं एक जैसे, दोनों नेल पेंट टेन टाइम पे ही लगाते हैं। इसका पार्ट वन देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अब रात के रिसेप्शन की तैयारी स्टार्ट। और ये है मेरी रिसेप्शन की ड्रेस, कैसी लगी जरूर बताइएगा। और बारात गेट पर आ गई थी तो हम नीचे आ गए और मेरा इतना मन कर रहा था डांस करने का, पर बीइंग अ लड़की वाले कंट्रोल किया बहुत। एक तो लड़की वाले और ऊपर से अरेंज मैरिज, थोड़ा सोचना पड़ता है ना। पर मैं वहाँ खड़े खड़े भी बहुत एंजॉय कर रही थी। और ये आ गई हमारी ब्राइड की एंट्री अपने दूल्हे राजा के लिए डांस करती हुई। बाय गॉड, आंखों में आंसू ही आ गए, जल्दी बताऊंगी क्यों। और फिर इतनी हैवी हैवी ड्रेसेस पहन लो और फिर उनके नखरे ही सहते रहो। हाँ, ड्रेसेस के नखरे।
और वहाँ सब मुझे ही देख रहे थे। आई थिंक दुल्हन के बाद मैं ही इतना हैवी आउटफिट पहनी हुई थी। इसमें मेरी गलती नहीं है, अब अच्छा तो लगना पड़ेगा ना, मेरी बहन की शादी है। इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है, ड्रेस के ही बहुत ज्यादा नखरे हैं। बट हाय कितना क्यूट मोमेंट है ना, पीछे से सब हमें घूर के देख रहे थे। मैंने कहा गई बेटा अब तो नानी चिल्लाएगी, उनके टाइम में ऐसा नहीं होता था ना। जोक्स अपार्ट, मेरी नानी बहुत कूल है। बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे हो? यहाँ शादी पार्टी के ऑर्डर लिए जाते हैं। देखिए शादी में भी इनको चैन नहीं है। ठंडी कॉफी कर रहे हैं, कृपया कांटेक्ट करिए इनसे, इनकी कॉफी की दुकान है, मद्रासी कॉफी की। कड़क चाय, कड़क चाय, गरम चाय। ये हमारे घर में एक काम करते छोटू नाम है। और इस तरह से हमने रात का आउटफिट मैच किया। सनी के नखरे बहुत हैं, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, उसके साथ मैच करना एक हैवी टास्क था, बट एट द एंड हो गया। हमारी पूरी फैमिली ने भी मैच किया था। पहले दिन ब्लू पहना था और नेक्स्ट डे पर्पल, और बैग और नानी पर्पल साड़ी में इतनी सुंदर लग रही थी कि उनके दामाद जी को उनकी नजर ही उतारनी पड़ गई। मैं कौन सी नजर उतार रहा हूं बाबा? मेरी भूत उतार रहा है। भगवान नानी का भूत उतार दे रहा हूं। बड़े और अब आया कन्यादान का वक्त। वहाँ सब बोल रहे थे पहली बार कुमारे जवाईसा को कन्यादान करते देखा है। और अब ये लास्ट के थोड़े से रिचुअल्स, और ये तिलक मुझे मेरी मासी ने लगाया। उनका कहना है कि तिलक जितना बड़ा लगाते हैं उतना ही बेटी का भाग बड़ा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में आगे की कहानी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ। और हाँ, यारी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय।